आवाज में बहुत ही एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि अब आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रोसेस जब हमारा ये घर बन रहा था तो अभी जो हिंजेस हैं और ये डोर्स हैं ये ब्लैक कलर के होंगे। ये क्लोजेट एरिया है, ये अभी हम विजिट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा कंप्लीशन हो चुका है। यहाँ से बेसमेंट की एंट्रेंस है और ये साइड एंट्रेंस है बेसमेंट की, ये भी बड़ा अच्छा फीचर है इसमें। और अब एंटर करवाते हैं आपको मेन लिविंग रूम में। यहाँ पर ये पूरा ओपन कॉन्सेप्ट है। ये है किचन एरिया। यहाँ पर अभी कैबिनेट्स वगैरह लग रहे हैं। जब आप नया घर बनवाते हो तो अब जब कैबिनेट्स और आपका काउंटर टॉप और आइलैंड वगैरह सब लग जाता है, वो बिल्डर आपको दोबारा घर पे बुलाएगा इंस्पेक्शन के लिए, दिखाने के लिए कि आपको सब कुछ ठीक लगा है। यहाँ से अब आपको दिखाते हैं बैक साइड लेके चलते हैं गैराज की एंट्रेंस पे। ये पूरा थर्मोस्टैट है, यहाँ से वेंटिलेशन वगैरह कंट्रोल होगी घर की। ये अपना हाफ बैथ और यहाँ से गैराज की एंट्रेंस है। आगे दो कार गैराज है इस घर में और यहाँ पे अपना कैबिनेट, अलग क्लोजेट एरिया, मड रूम की तरह जिसको कहते हैं। पूरे ही जो मेन फ्लोर है इस घर में हमारे देखो यकीन ही नहीं हो रहा हमारे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सारी हार्डवुड वाइनल प्लैंक फ्लोरिंग है। ये पैंट्री है, अप्लाइंसेस इंस्टॉल होंगे इसी के साथ, वो बाद में नहीं खरीदने। यहाँ पे फ्रिज आएगा, यहाँ पे गैस आएगी, चिमनी, माइक्रोवेव यहाँ पे, और नीचे यहाँ डिश वॉशर और सिंक आएगा यहाँ पे। ये है डाइनिंग एरिया, बीच में यहाँ पे लाइट फिक्स्चर। इस घर की मुझे पर्सनली बेस्ट चीज़ ये लगती है जो ओपन विंडोज़ हैं, तो काफ़ी नेचुरल। साउथ फेसिंग ये घर है तो विंडोज़ लाइट आएगी ठंड में और गर्मी में भी। ये अपना लिविंग एरिया, फायरप्लेस यहाँ पे लगेगी, इलेक्ट्रिक फायरप्लेस, और यहाँ पे टीवी वगैरह लगा सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर। आई होप आपको अभी तक का प्रोसेस पसंद आ रहा होगा। ये अभी है कंस्ट्रक्शन फेज। ऊपर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या अपडेट हुई है। ऊपर सारा कारपेट एरिया और सारे बेडरूम ऊपर ही हैं, तो चलो अब चलते हैं। ये रेलिंग्स यहाँ पे लगी हुई है, ये भी आप अपग्रेड बोल सकते हो, मुझे काफ़ी पसंद आई। यहाँ से पूरा सेकंड फ्लोर पर कारपेट है, ये रेलिंग पकड़ने के लिए भी, ये गिरोनी सीढ़ियों से। सामने मिलेगा ये बोनस रूम। मुझे एक ये सेकंड फ्लोर पर ये भी चीज़ अच्छी लगी, नेचुरल लाइट के साथ साथ पूरे फ्लोर पर भी काफ़ी ब्राइटनेस है लाइट्स की, तो यहाँ पे आप एक लाउंज एरिया बना सकते हो। यहाँ पर लिनन क्लोजेट वगैरह दी हुई है, ये चीज़ भी अच्छी है। सभी अच्छा है यार, अपना घर है तो अपनी। अब यहाँ से लेके चलते हैं आपको मास्टर बेडरूम में। ये है पूरा मास्टर, यहाँ पर सेंटर में लाइट फिक्स्चर है। बैक में अभी नए घर हैं क्योंकि तो वो बन रहे हैं यहाँ पर। और ये है ऑन स्वीट, यहाँ पे लगेंगे दो सिंक। तो अभी देखो कैबिनेट्स इंस्टॉल हो ही रहे हैं और ऊपर लाइट फिक्स्चर्स वगैरह सब लग चुके हैं। यहाँ पर लगेगा एक स्टैंड अलोन टब, भारी इंग्लिश के वर्ड्स। और ये विंडो यहाँ पर, ये है स्टैंडिंग शावर। और यहाँ पर वॉक करेंगे हम अपनी वॉक इन क्लोजेट में, तो यहाँ पर भी रेलिंग्स, वो जो शेल्फिंग होती है ना वो लगेगी। तो स्टैंडिंग बाथरूम के बाद यहाँ पर सारा कारपेट है। क्लोजेट में ये वेंट्स लगे हुए हैं ठंड, क्योंकि कनाडा में बहुत होती है। अब आपको दिखाते हैं बाकी के बेडरूम। ये है लॉन्ड्री, अभी बन रही है लॉन्ड्री मशीन, लगेंगी यहाँ पर। यहाँ पर है कॉमन बाथ, तो देखो ये बाकी के बेडरूम्स का बाथरूम है। और ये है, तीन बेडरूम है इस घर में। और तो ये है पहला बेडरूम, ये है दूसरा,
क्लोजेट तीनों में ही है और यहाँ पर है थर्ड बेडरूम। ये था अभी घर का प्रोसेस, अभी जब बन ही रहा है। आज इसलिए आए घर पे क्योंकि विंडोज़ पे ब्लाइंड्स लगवानी है, तो ब्लाइंड से शेड जैसे कर आप पर्दे भी लगवा सकते हो, वरना ब्लाइंड्स के लिए तो ब्लाइंड का वेंडर आया था, वो कोटेशन देके चला गया, बड़े सारे पैसे लगते हैं नए घर में। बट अगेन ये सारा प्रोसेस है तो करवाना ही पड़ेगा। अब आपको अगली अपडेट देंगे पूरा फिनिश का। तो मेरी पूरी ट्राई थी कि आपको पार्ट बाय पार्ट इस घर का पूरा प्रोसेस दें। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सारा सपोर्ट और ब्लेसिंग्स के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो।